हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं लहसुन की चटनी बनाने वाली थी। तो ऑलमोस्ट मैंने प्रिपरेशन तो इसकी कर ली थी, लेकिन फिर मुझे लगा कि आपके साथ भी ये रेसिपी शेयर कर दूं एक बार। तो उसके लिए मैंने ये इतना लहसुन, मैंने 2 गांठें, 2 से 2.5 गांठ मैंने लहसुन की जो है वो छील करके और इस तरह से उसे इमामदस्ते में कूट लिया है, दरदरा कूटा है ऐसे मोटा मोटा सा। ठीक है, तो ये मैंने लहसुन को ऑलरेडी कूट के रख लिया है। इसके बाद मुझे लगा चलो ठीक है, रेसिपी बनाई रही हो तो चलो ठीक है, शेयर भी कर लेती हूँ। ये जयपुर साइड में जो बाजरे की रोटी के साथ जो चटनी बनती है लहसुन की, उसकी रेसिपी ये मैं बना रही हूँ। तो फटाफट से हम बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने कढ़ाई में ये 2 बड़े चम्मच तेल डाल लिया है। अब इसे हम क्या करेंगे, गरम करने रख देंगे। तेल अभी गर्म हो गया है, तो अब इसके अंदर हम ये आधा चम्मच जो है जीरा डाल देंगे। जब जीरा चटक जाए, फ्लेम हमें एकदम लो कर लेनी है, नहीं तो ये लहसुन हम इसके अंदर डालेंगे तो ये जल जाएगा। तो ये लहसुन अब इसके अंदर हम डाल देंगे। तो लहसुन को इसके अंदर डाल के हम थोड़ा सा पका लेंगे, ताकि इसका जो कच्चापन है वो ना रहे, इसमें थोड़ा सा ही कुक हो जाए। तो इस तरह से चलाते हुए हम लहसुन को पका लेंगे। लो फ्लेम पे ही इसे कुक करना है, नहीं तो लहसुन जल जाएगा, क्योंकि फटाफट से जल जाता है, क्योंकि हमने इसे कूट के रखा हुआ है। तो लहसुन क्या है, थोड़ा जल्दी से ही जल जाता है, अगर इसे हम काट के भी रखेंगे तो भी ये जल जाता है। तो हम इसे एक बार थोड़ा सा इस तरह से थोड़ा सा कुक करेंगे, ओवर कुक नहीं करना है इसे हमें। और जब तक ये कुक होता है, तो जिसमें हमने ये लहसुन कूटा था उसमें हम पहले थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। अभी हम इसके अंदर ये हम लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। ये मैंने 1.5 चम्मच इसके अंदर लाल मिर्च डाली है। 1/4 चम्मच हमने इसमें हल्दी पाउडर डाला है। और ये हम 2 चम्मच इसके अंदर धनिया पाउडर डाल देते हैं। और स्वादानुसार अब हम इसके अंदर नमक डाल देंगे। आप देख सकते हैं लहसुन कुक हो चुका है। अब इसमें थोड़ा पानी और डालेंगे और इसको इसे हम मिक्स कर लेंगे। अब ये जो हमने घोल के रखा हुआ है पेस्ट जो मसालों का, वो अब हम इसके अंदर डाल देंगे। फ्लेम हाई नहीं करना है, लो फ्लेम पे ही इसे बनाना है, तभी इसका अच्छा टेस्ट आएगा, नहीं तो मसाले जो हैं वो ठीक से कुक होंगे नहीं। थोड़ा सा पानी और इसमें हम डाल करके अच्छे से धो करके इसे डाल देंगे इसके अंदर। अब हम इसे लो फ्लेम पे कुक होने देंगे। बीच बीच में से चला लेना है, जब तक कि पानी इसका जल ना जाए, ऑयल फ्री ना हो जाए, जैसे ये मसाला, जब तक तब तक इस चटनी को हमें कुक करना है। तो आप देख सकते हैं इसने ऑयल एकदम अलग से छोड़ दिया है चटनी ने, इसका मसाला अलग और तेल एकदम अलग। तो ये इसका मतलब है कि अच्छे से अब कुक हो चुकी है, गैस हमने बंद कर दी है। इस पे हम हरा धनिया नहीं डालेंगे, क्योंकि जो राजस्थान में शेखावाटी में जो चटनी बनाई जाती है जयपुर साइड बाजरे की रोटी के साथ में, तो ये सब के साथ ही एकदम सिंपल सी रेसिपी बनती है चटनी की। बस लहसुन है कि इसमें बहुत सारा लहसुन डलता है, उसी का इसमें सही टेस्ट आता है। अभी हम इसको एक कटोरी में निकाल लेते हैं। आपको बाजरे की रोटी अच्छी लगती है तो बाजरे की रोटी के साथ खाएं। अभी गर्मियां हैं तो गर्मी में हम इसे बाजरे की रोटी के साथ खाएंगे नहीं,
आप इसे चाहें तो फ्रिज के अंदर स्टोर भी कर सकते हैं। जब आप जैसे चपाती के साथ सब्जी लेते हैं तो एक्स्ट्रा आप ये चटनी भी उसके साथ लें, आपको ये बहुत अच्छी लगेगी। अगर आप इसके साथ चपाती खाते हैं, एक आधी चपाती एक्स्ट्रा ही खा लेंगे, तो ये हमारी गर्मा गर्म लहसुन की जो चटनी है वो बन करके तैयार हो गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी टेस्टी दिख रही है खाने में, देखने में मतलब सॉरी, तो खाने में भी उतनी ही लजीज ये लगेगी। तो आप प्लीज़ इस रेसिपी को ज़रूर से बना के ट्राई कीजिएगा, सेखावाटी वाली लहसुन की चटनी। तो कैसी आपको रेसिपी लगती है मुझे ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। बाय गाइज़।